अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे न्यूनेटोलॉजी और उसमें अगला टॉपिक करने लगे, विच इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। छोटा सा आसान सा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये आपने जरूर करना है न्यूनेटोलॉजी में से। तो नाम से पता चल रहा है कि नेक्रोटाइजिंग कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो कि नेक्रोसिस कर रहा है, यानी कि सडन सेल डेथ कर रहा है। और है कहाँ पे? एंटेरोकोलाइटिस यानी एंटेरिक गट में, एंड कोलाइटिस का मतलब कॉलन में इन्फ्लेमेशन। तो दिस इज बेसिकली, अगर नाम से हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन है हमारी जीआईटी की, गट की, एंड कॉलन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, विच इज सडन, जो कि सडन सेल डेथ और नेक्रोसिस कर रही है। तो नाम ही अंदाजा दे देता है कि कोई ऐसी चीज है जो सवेरिटी की तरफ एकदम से लेके जाती है। नेक्रोटाइजिंग का लफ्ज कभी भी ऐसी जगह नहीं आता जहां पर चीज थोड़ी आराम से हो रही है या फिर जहां कम मसला है। नेक्रोटाइजिंग का मतलब हमेशा होता है ज्यादा ही मसला है, कि नेक्रोसिस हो रहा होता है एकदम से। तो दिस इज बेसिकली नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आपका एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है, जो कि छोटे बच्चों का ही होता है, जस्ट आफ्टर नियोनेट्स का ही होता है। जाहिर है ये टर्म वाले बच्चों में भी हो सकता है, प्री टर्म में भी होता है। और आपको पता है कि दैनिक गट जो भी बनी होती है वो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल इमेच्योर सी होती है हर बच्चे की। जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनकी तो ज्यादा ही इमेच्योर गट होती है, लेकिन जो मेच्योर यानी पूरे टर्म पे भी पैदा होते हैं उनकी भी गट अभी बिल्कुल फ्रेश और नई नई बनी हुई होती है। और वो किसी भी टॉक्सिन या कोई इंजरी अगर उसको होगी तो वो एकदम से उसको फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अगर बेसिकली नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस इज एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जिसमें होता यह है कि इंटेस्टिनल इंजरी होती है जो कि डिफरेंट चीजों की वजह से हो सकती है। इट कैन बी ड्यू टू एनी वैस्कुलर इंजरी टू द आपकी गट, ठीक है। गट में वैस्कुलर इंजरी किस तरह से हो सकती है? हो सकता है बच्चे को पेरिनेटल एस्फिक्सिया हुआ। पेरिनेटल एस्फिक्सिया का मतलब है कि जब बच्चा पैदा हो रहा था उस टाइम पे उसको कुछ किसी भी मसले की वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। जो हम कहते हैं ना कि बच्चे रोते नहीं है फौरन पैदा होने के फौरन बाद, वो जब रोते नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके लंग्स एक्सपैंड नहीं करते तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको पता है कि बॉडी हमेशा पहली जो सप्लाई देती है वो ब्रेन को और हार्ट को देती है। तो बॉडी सारी ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देती है ब्रेन और हार्ट की तरफ। ब्रेन और हार्ट की तरफ जब सब ऑक्सीजन चली जाती है तो बाकी ऑर्गन्स है ना आपके, उनका शदीद इस्कीमिया होता है उस सिलसिले में। और या उस वक्त पे बाकी ऑर्गन के साथ साथ आपकी बावल भी ऐसी है जो कि बावल इस्कीमिया होता है। तो बावल इस्कीमिया इज वन ऑफ द कॉज, जो कि डेफिनेट सी बात है कि अगर आपके गट का इस्कीमिया होगा तो वो भी गट को इंजर कर सकता है। तो मैं आपको बताई थी कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना तो हम कहते हैं कि इट इज एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर विच रिजल्ट फ्रॉम सिवियर इंटेस्टिनल इंजरी एट बर्थ विच कैन बी वैस्कुलर। और वैस्कुलर किस तरह से हो सकती है? मैं आपको बताती थी कि बावल इस्कीमिया हो सकता है विच कैन बी एनी म्यूकोजल इंजरी। म्यूकोजल इंजरी का मतलब है कि डायरेक्ट बैक्टीरिया आके इन्वेड कर सकते हैं, विच कैन बी टॉक्सिक। टॉक्सिक इंसल्ट आ सकती है बाहर से, जो आपने इंटेरिक फीडिंग शुरू कराई है। इंटेरिक फीडिंग मतलब आप बच्चा जब पैदा होते उसके बाद उसको खिलाना पिलाना शुरू करते हैं। जाहिर है हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट थिंग, लेकिन ब्रेस्ट फीड भी एक हिसाब से करनी चाहिए। पागलों की तरह बहुत ज्यादा भी नहीं दूध पिलाना चाहिए, और ये भी नहीं होता कि लोग पता नहीं क्या क्या शहद चिटा रहे हैं और बहुत कुछ खिला रहे हैं। मैं मना नहीं करते उनसे, लेकिन हर चीज एक बहुत आराम से बहुत तरीके से करनी होती है, क्योंकि अभी बच्चे की गट बहुत इमेच्योर होती है, उसको कोई भी इंजरी हो सकती है। तो इट कैन बी वैस्कुलर, म्यूकोजल एंड टॉक्सिक इंजरी, ठीक है। उसके रिजल्ट तीनों चीजों में से कोई भी इंजरी होगी तो उसके रिजल्ट में इट कैन डैमेज द वॉल ऑफ गट, ठीक है। डैमेज जो भी इंजरी होती है, अब आपको पता है कि ये सपोज करते हैं कि आपकी बावल वॉल है, ठीक है, बावल वॉल डैमेज होती है, सडन नेक्रोसिस शुरू होते हैं और वॉल परफोरेट हो जाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अंदर की तरफ से डैमेज आ रहा है ना, ये अगर कोलन की वॉल है यहां से डैमेज हो रहा है तो कोलन की वॉल के अंदर भी डैमेज होता है, और अगर पूरी परफोरेट हो जाएगी तो सारी की सारी गैस फैल जाएगी आपके एब्डोमेन में। तो दिस इज बेसिकली एक सडन सिवियर सिनेरियो होता है जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होता है। तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं तो मैंने आपको बता भी दिया, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा इसको रिपीट करा दी। तो पहली चीज होती है यहां पर बावल इस्कीमिया, मोस्ट कॉमन कॉज जो मैंने आपको बता दी, कि पेरिनेटल एस्फिक्सिया अगर हो बच्चों को तो उनके ब्लड सप्लाई सारी की सारी जो बॉडी है वो ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन की आड़ में सारी ब्लड सप्लाई चली जाती है ब्रेन और हार्ट की तरफ, और बावल को शदीद इस्कीमिया फेस होता है। इस्कीमिया का मतलब है कि बावल ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया बावल इंजरी कर देते हैं। तो सबसे कॉमन कॉज यही होती है जो गट वॉल इंजरी करती है। उसके बाद है कि जब हमने बताया कि आपको एक तो पहली बावल वॉल इंजरी होगी, सपोज बच्चे को, बच्चा देर से रोया, उसके बाद जब आप उसे दूध पिलाना शुरू करते हैं ना तो दूध एक अच्छा, पहले ही इंजरी वहां पर चल रही थी और इंजरी वाली जगह पे आपको पता है बैक्टीरिया भी ग्रो करने लग जाते हैं, और उनको बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी मजीद चाहिए होती है। और जब हम दूध बच्चे को पिलाते हैं तो एक अच्छा सोर्स मिल जाता है उन बैक्टीरिया को मजीद ग्रो करने का और मजीद इंजरी करने का, ठीक है। तो दूध वहां पर आपको एक मजीद सोर्स प्रोवाइड करता है। जिन लोगों में बावल इस्कीमिया बच्चों में नहीं भी होता और आप एकदम से इंटेरल फीडिंग बहुत ज्यादा शुरू कराते हैं तो उनमें इंटेरल फीडिंग ही डैमेज कर देती है गट वॉल को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपकी
ये इस तरह से होता है कि जब बॉबल इंजरी हो जाती है उसके बाद जब बैक्टीरिया यहाँ पर, अब आपको पता है गट में नॉर्मल फ्लोरा तो होता ही होता है, और जब इंजरी होती है तो नॉर्मल फ्लोरा को तो चांस मिल जाता है कि अब हम मजीद इंजरी करें। तो वो क्या करते हैं कि अगर ये आपकी गट की वॉल है सारी की सारी, ठीक है, ये वॉल है मतलब म्यूकोजा सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस की लेयर्स है ये सारी, और ये वाली अगर ल्यूमिनल साइड है तो बैक्टीरिया यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से वो इन्वेड करते हैं, इन्वेड करके ये बबल वॉल के अंदर आते हैं और यहाँ पर भी आकर गैस प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या मिलता है, आपको जब आप चेक करते हैं ना एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपको बबल वॉल के अंदर, वॉल की बात कर रही हूँ ठीक है, अगर ये मेरे पूरी वॉल है सिर्फ दीवार जो है, दीवार के अंदर गैस मिलती है, उसको हम कहते हैं न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस, ये नाम नहीं भूलना, दिस इज योर एमसीक्यू ठीक है, कि बावल वॉल के अंदर गैस होना यानी कि वॉल का, इससे पता चल रहा है कि वॉल को इन्वेड करके बैक्टीरिया अंदर आ गए और उन्हें अंदर आके गैस बनाने लग गए, एंड दिस इज अ साइन कि बच्चे को जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। और ये बैक्टीरिया अगर मजीद इन्वेड करेंगे तो ये पूरी वॉल को यहां तक परफोरेट करके बाहर भी आ सकते हैं और फिर ये गैस पूरे पेरिटोनियम में फैला देते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमोपेरिटोनियम ठीक है। जब सिर्फ वॉल के अंदर होगा तो उसको कहेंगे न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस, और जब वो परफोरेट करके पूरे पेरिटोनियम में फैल जाएगी तो उसको कहेंगे न्यूमोपेरिटोनियम। दोनों चीजें हो सकती है ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके लिए, मैंने जैसे आपको बताया भी है कि प्री मेच्योर बच्चों में तो ज्यादा कॉमन है डेफिनेटली, तो प्री मेच्योरिटी तो इसका सबसे पहला रिस्क फैक्टर होगा कि उसमें वैसे ही ज्यादा जल्दी हो जाती है चीजें। अच्छा, उसके बाद अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो हमेशा आपने एस्फिक्सिया लिख रहे हैं, जो मैंने आपको बता दें कि बर्थ एस्फिक्सिया इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। एंड उसके बाद आ जाते हैं कि आपकी इंटरनल फीडिंग अगर आपने सडनली बहुत ज्यादा स्टार्ट करा दी, अगर आपने ऐसा मिल्क बनाया है मतलब अगर आपने वो बॉटल फीड शुरू कराई है विच इज हाइपर ऑस्मोलर, मतलब या तो मिल्क फीड आपने शुरू की है वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, या फिर आपने अगर आईवी फ्लूइड्स दिए हैं बच्चे को किसी वजह से वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन आईवी फ्लूइड्स का तो खैर गट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने ओरली कुछ भी दिया है जो कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो गट को इंजर कर सकते हैं, आपने अच्छा डायल्यूट करके देना होता है। बच्चे को कोई भी ऐसा सिंड्रोम है अगर जो कि हाइपर विस्कोसिटी करे उसके ब्लड में, अब हाइपर विस्कोसिटी सबसे कॉमनली किस वजह से हो सकती है, जिन बच्चों को होता है पॉलीसाइथीमिया, उनके व्हाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो वैसे ही उनका ब्लड ज्यादा थिक होता है, तो थिकनेस अगर ब्लड की किसी भी चीज से हो रही है, इन सारी बातों का अगर आप निचोड़ भी निकाले तो सारी की सारी इसी तरफ जा रही है कि ब्लड थिक हो रहा है जरूरत से ज्यादा, चाहे आप हाइपरऑस्मोलर फॉर्मूला दे रहे हैं, चाहे उसको एस्फिक्सिया हो रहा है, चाहे उसको हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स है, इस सब में उसका ब्लड थिकनेस है, और जितनी थिकनेस होती है उतना ही इस चीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड सप्लाई जो आएगी गट के पास वो थिकन्ड ब्लड होगा, वो सही ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशियस नहीं होगा, तो वो आपकी गट को इंजरी की तरफ लेके जाएगा, वहां पर आपकी जितने भी ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो बहुत इजीली प्रोलिफेट करेंगे, वहां पर गट का बैक्टीरिया ज्यादा इजीली इंजर करेगा। देन कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल जैसे आपकी जो एनसेड्स होती हैं उनसे हो सकता है, या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जिन बच्चों में होती है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी जॉन्डिस में, उनमें भी ये पॉसिबल है। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, आपने याद रखने के कुछ इसके जीआई सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिस्टेमिक होते हैं बच्चों को, तो जीआई सिम्टम्स है ना, आप देखेंगे गट उसकी इंजर होगी, खुद जहन में अगर लाएं कि गट की एक पोर्शन जो चाहे वो स्मॉल इंटेस्टिन है चाहे लार्ज इंटेस्टिन है, ज्यादातर इन्हीं में से कोई इन्वॉल्व होता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टिन, तो इसमें से अगर कोई चीज इंजर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका खाना तो आगे जा सकता ही नहीं है, और ऊपर से बैक्टीरिया पेट में गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है, तो पहली बात जब खाना आगे नहीं जाएगा वो वापस रीगर्ज होगा तो बच्चा वॉमिटिंग करेगा, तो बच्चा प्रेजेंट करेगा माँ के कि बिल्कुल खाता पीता कुछ भी नहीं है, पहले तो सही खा रहा था, मतलब 9-10 दिन का बच्चा आया आपके पास, वो कहती है कि शुरू के तो 3-4 दिन तो ठीक खाता है लेकिन अब अचानक से कल से बिल्कुल भी नहीं खा रहा, फीडिंग इनटॉलरेंस उसको हम कहते हैं, कुछ भी नहीं खा रहा और बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है, और उल्टी का रंग क्या होता है, हरे रंग की होती है ठीक है, हरे रंग की क्यों है जी, बिलस वॉमिटिंग है, बच्चे को ये भी आपने खिलाना पिलाना शुरू किया नया नया दूध ही तो वो हाल ही पीता है, और जाहिर है अब उसकी बाइल भी आगे नहीं जा रही गट से, तो वो सारी की सारी बाइल भी वापस वॉमिट में आती है, तो बच्चा हरे रंग की बिलस वॉमिटिंग किस चीज को इंडिकेट करती है, ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टिन के लेवल पे, अगर कभी भी बच्चे की वॉमिटिंग नॉन बिलस होती है ग्रीन कलर की नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि वॉमिटिंग स्टमक से आ रही है या इसोफेगस से आ रही है ठीक है, क्योंकि स्टमक और इसोफेगस के लेवल पे बाइल नहीं आई होती, अगर ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टिन से आगे है तो इसका मतलब है कि बाइल आ चुकी है और अब बाइल भी आगे नहीं जा रही और फिर वॉमिटिंग जो आती है आपकी वो बिलस आती है, तो आपने जहन में रखना है कि बिलस वॉमिटिंग इज ऑलवेज इंडिकेटिव कि प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टिन या उससे आगे के लेवल पे है ठीक है, और ये वॉमिटिंग बच्चा बहुत फोर्स से निकालता है बाहर क्योंकि नीचे से आना होता है ना इस वॉमिटिंग में ज्यादा, तो माँ इस कंप्लेन के साथ आती है कि बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा और उल्टी कर रहा है हरे रंग की और इसका पेट एकदम से फूल गया, और पेट क्यों फूलता है, एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन इस वजह से हो रही है कि वो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा खाना भी आगे नहीं जा रहा, ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स है, और उसके साथ अब आपको पता है कि ये डिस्टेंशन होगी, और फिर वो कहती है कि जो जगह आपकी गट की नेक्रोसिस हो रहा है जहां पर बैक्टीरिया नेक्रोसिस कर रहे हैं
वहां डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लीडिंग भी हो रही होती है, और वो ब्लीडिंग किस तरह जाती है, वो ब्लीडिंग बच्चे की स्टूल में निकल के जाती है। तो बच्चे को असल में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना, स्टूल तो वो पास करेगा, क्योंकि स्टूल तो वो तब पास ना करे ना जब रास्ते में असल में कोई आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो कॉलन में तो कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो स्टूल पास करते हैं, और ग्रॉसली ब्लडी स्टूल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो माँ ये कि उसके बखाने में खून भी आ रहा है, तो ये आपने ये सारी उसकी जीए की सिम्टम्स एंड कंप्लेन्स होती है उसके साथ। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चा जो सिस्टेमिक में आता है कि लेथार्जिक है, उसका सांस भी उखड़ा हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया में हो सकता है बच्चा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। बहरहाल जो उसकी सिस्टेमिक फीचर्स आपको नजर आएंगे वो यही के बच्चे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डीआईसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे उसके वो चीजें जो कि आपको खुद देखनी है, माँ तो डेफिनेटली ये नहीं बता सकती कि हाइपरग्लाइसीमिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और ये सब चीजें क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि उसके अंदर खाना पीना कुछ भी नहीं जा रहा, खाना नहीं जा रहा तो एनर्जी नहीं आती, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके रिजल्ट में ये सब चीजें डेवलप होती हैं। डायग्नोसिस इसका बेसिकली क्लिनिकल भी हो जाता है बड़े आराम से, इन तीन चीजों का ट्रायड। अगर आपके पास एक बहुत छोटा बच्चा जो कि अभी आया 8 दिन का 10 दिन का, और इन तीन कंप्लेंट्स के साथ आता है कि फीडिंग इंटॉलरेंस है, एक दो दिन से एक्यूट फीडिंग इंटॉलरेंस एकदम से हो गई है, एकदम से उसका पेट सूज गया और बहुत ज्यादा खाना आ रहा है, आप हाथ लगाते हैं एब्डोमेन बिल्कुल टेंडर होता है, टेंडर टू टच होता है, सख्त किया हुआ होता है बच्चे ने, बच्चा आपको लेथार्जिक नजर आता है, एपनिक नजर आता है, तो ये तीनों चीजों का ट्रायड वैसे ही आपका चला जाता है सीधा नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की तरफ। ब्लड सीपी आप कराएंगे उसमें आपको व्हाइट सेल काउंट ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से ब्लड सेल काउंट ज्यादा हो जाता है व्हाइट सेल का, लेकिन कभी कभार वायरल इन्फेक्शन सुपरसीड और भी हो जाते हैं तो फिर डिक्रीज भी हो जाते हैं, मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी। आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे पे आपको क्या नजर आएगा, आपको बावल वॉल के दरमियान में गैस मिलेगी, विच इज नेमेटोसिस इंटेस्टिनलिस, और उसके अलावा आपको परफोरेशन अगर मिलेगी तो वो भी मिल सकती है, आपको ये पता चल सकता है कि पूरा न्यूमोपेरिटोनियम हुआ है, तो एब्डोमिनल एक्सरे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जो बैक्टीरिया वो बावल वॉल से इन्वेड करके वेसल्स में आते हैं, वेसल्स जो यहां से आपको पता है गट से निकलती है वो होती है हमारी पोर्टल वेन जो लिवर को जाती है, ऐसे ही है ना, तो जो पोर्टल वेन की अगर इन्वेजन हो जाएगी, पोर्टल वेन में भी ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो पोर्टल वेन की वॉल में भी गैस होती है, उसको आप देखते हैं हेपेटिक अल्ट्रासाउंड से। हेपेटिक अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको पोर्टल वेन में गैस मिली है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया गट से निकल के वेन के थ्रू लिवर की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा सीरियसनेस होने वाली है, ठीक है, तो आप ये भी चेक करते हैं हेपेटिक अल्ट्रासाउंड पे। फिर आप जाहिर है चेक करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व है, उसके लिए आप ब्लड कल्चर कर लेते हैं, स्टूल की स्क्रीनिंग आप करते हैं ब्लड देखने के लिए कि ब्लीडिंग है या नहीं, ऑकल्ट ब्लड तो नहीं पड़ा हुआ, और बाकी सारी जो होती है वो आपके चेक करने के लिए कि बच्चे के सिस्टेमिक फीचर्स कैसे हैं, उसके लिए आप उसकी आर्टेरियल ब्लड गैसेस कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, कोएगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, आपको बच्चे की सिस्टेमिक हालत का अंदाजा बताती है। और इस क्योंकि हमने अंदाजा इसलिए करने क्योंकि इसकी सारी मैनेजमेंट सपोर्टिव है, एक दफा अगर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एस्टेब्लिश हो गए तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि अब ये हम इसको कहें कि ये वापस ये मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको आप 100% इलाज करें, हम उस प्रोसेस को खाली रोक सकते हैं बाय गिविंग सपोर्टिव मैनेजमेंट, वो भी एक हद तक, लाइक 100% आप समझ लें कि इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो बावल इस्कीमिया होना था वो रिवर्स नहीं हो सकता, जो इंजरी कर गया वहां पर आकर, हम सिर्फ बच्चे को सपोर्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और सपोर्टिव मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपने उसकी इंटेरिक फीडिंग फौरन बंद करनी है, मुंह से कुछ नहीं खिलाना कम से कम 2 महीने या कम से कम 1 महीना तो लाजमी तौर पर आपने कुछ नहीं खिलाना, लेकिन कुछ बुक्स जो अब आपने फॉलो करना है, पहले ये बुक्स ये भी कहती थी वो आप ये फॉलो कीजिएगा कि 1 से 2 हफ्ते, क्योंकि परवेज अकबर स्टेट करती है कि 1 से 2 हफ्ते इज गुड, ठीक है, तो आपकी बुक में यही से आते हैं, तो 1 से 2 हफ्ते आपने बिल्कुल कुछ नहीं खिलाना होता, और जो कुछ स्टमक में है उसको एनजी ट्यूब लगा के एस्पिरेट करना है, गैस्ट्रिक ड्रेनेज बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ताकि उसका गट को रिलैक्सेशन मिले। अब जाहिर है बच्चे को फीडिंग तो करनी है तो उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे शिफ्ट करेंगे फॉर 2 वीक्स, और अगर उसका ब्लड बहुत कम हो चुका है, आपको लगता है कि ज्यादा ब्लड लॉस है, तो फिर आपको ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किस चीज की भी, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग, कितना अंदर जा रहा है, कितना यूरिन आउटपुट है, कितना स्टूल आ रहा है बाहर, उसके साथ साथ बच्चे के वाइटल्स की मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ये सब कुछ, उसके अलावा बच्चे की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप तो नहीं हो रही, इस बात की मॉनिटरिंग, उसके साथ देखने की उसका अम्बिलिकल कैथेटर यानी उसका वो जो नाफ पे लगा हुआ होता है जहां से आपने कॉर्ड काटी थी, वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ तो उसको रिमूव करके रिप्लेस करें, ठीक है, ब्लड के कल्चर्स भेजें और स्टूल को एग्जामिनेशन के लिए भेजें, ठीक है। देन यूर थिंग वो होती है आपकी एंटीबायोटिक्स, यहां मैं लिखना भूल गई हूँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप देते हैं
वैसे तो आप ब्लड कल्चर भी कराते हैं लेकिन आप फिर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कितने बैक्टीरिया मिक्स्ड इन्फेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है। और अगर कोई एक्यूपनिंग डिसऑर्डर है, जैसे मैं कह रही हूँ बच्चे को डीआईसी डेवलप हो सकता है, बच्चे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हुआ होगा, तो आपने उसको ट्रीट करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, डीआईसी है तो फिर आपने उसकी उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। और कुछ बच्चों में जिनमें प्रोग्रेसिवली ये नेक्रोसिस बढ़ रहा होता है उनको आपको सर्जिकल रिजेक्शन भी करनी पड़ सकती है जो नेक्रोटिक सेगमेंट है बावल का उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, कोशिश बेहतर ये होती है कि आप इसको प्रिवेंट करें। और इसकी प्रिवेंशन आपको बता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल हद तक एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये बॉटल फीड ना करें वो सबसे बेहतर है, ठीक है। और इवन जो कहते हैं ना कि फर्स्ट बेसिस पे वो कुछ तक कुछ चटा दें या खिला दें वो भी रिकमेंडेड नहीं है मेडिकली, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही सबसे पहली चीज रिकमेंडेड होती है। और उसके अलावा अवॉइड एनी काइंड ऑफ हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन। यहां पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला के नाश में। थैंक यू।